बीते गुरुवार की शाम को दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने मालबाजार विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। राजू बिष्ट से मुलाकात करने के बाद बीजेपी के पार्टी नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। कुछ बिहार से परिवर्तन यात्रा में भाग लेने के बाद डुवर्स के रास्ते दार्जिलिंग लौट रहे बीजेपी सांसद राजू बिष्ट ने वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर माल बाजार शहर में कार्यकर्ताओं के साथ चाय बागान व स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में गोरखाली, बंगाली, आदिवासी सहित अन्य संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उसके कारण जो है थोड़ा डिले हो गया और हजारों की संख्या में इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था टीएमसी और ममता को आज ही उखाड़ के फेंक देंगे। और उसके बावजूद भी आप लोग इतनी संख्या में कार्यकर्ता सब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सबका बहुत दिल से आभारी हूँ। वैसे माल इस रोड में जो है मैं कई बार आता जाता रहा हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ पे रुक करके आपके सामने जो है दो शब्द मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए, हम जितने भी सांसद हैं, चाहे जोनपुरा हो, मैं हूँ, जोनपुरा जी हैं और हमारे निशिता हो, हम सब लोग एक मुट्ठी है, एक टीम है। हम ये नहीं देखते कि मेरी बाउंड्री कहाँ तक है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो नॉर्थ बंगाल की दशा और दिशा है वो बदलनी चाहिए। ये जो नॉर्थ बंगाल में जिसकी भी कलकत्ता में सरकार रहती है वो हमको लूटता है, ये बंद होना चाहिए।